हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मैं आया हूँ मनीष। मैं सुनील। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये मिशन मंगल का नया ट्रेलर जो ऑफिशियली अभी अभी लॉन्च हुआ है, अभी मतलब दिखा रहा है, 10 घंटे पहले इन्होंने लॉन्च किया। ये दूसरा ट्रेलर है, पहला ट्रेलर हम देख चुके हैं, उसका रिएक्शन भी हम कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर एक आई बटन होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखा है, तो उसे भी देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने मिशन मंगल और बाटला हाउस दोनों का हमने कंपैरिजन किया था, क्योंकि दोनों मूवीज़ सेम डे आ रही हैं 15 अगस्त के दिन। तो अभी हम जो रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो बाहर की थोड़ी सी साउंड्स आ रही हैं, उनको अवॉइड करना यार, क्योंकि स्टार्ट करते हैं। रिक्शा में यहाँ से महात्मा गांधी रूडी जा सकते हैं, मेरठ नहीं। रिक्शा कहीं भी जा सकता है सर, अगर रिक्शा वाला चाहे तो। मार्च चलेंगे भैया, जिन एक्सपर्ट्स के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था उनके बजाय उनके जूनियर्स को असाइन किया गया है। रोड से नजर मत हटाना, और पीछे ही रह जाएगा अगर हमने छलांग नहीं मारी। साइंटिस्ट होके इतनी पूजा क्यों करती हूँ? बिकॉज आई बिलीव इन गॉड, देयर इज अ पावर बियॉन्ड साइंस। ISRO has not been Indian Space Research Organization. It has always been Impossible Space Research Organization. A dream that can be a reality. Hey. Mission Mangal. आप लोग 70 से 80 करोड़ ओवर बजट जा रहे हैं। सर, चंद्रयान 2 फिलहाल के लिए स्टॉप हो गया, वो कब रीस्टार्ट होगा मैं ये नहीं पता। तो जो कुछ हमें चाहिए वो चंद्रयान 2 से मांग लेते हैं ना सर। आई वेस्ट पेमेंट। रात का खाना अगर बच जाए तो सुबह तड़का लगा के नाश्ते में दे दो। क्या कर रहे हैं सर? हार बाल की तो दोस्तों, ये था मिशन मंगल का दूसरा ट्रेलर, और सच में ये उससे भी दो कदम आगे था जो पहले हमने देखा है। और इसमें कई चीज़ें उन्होंने एडवांस दिखाई और कैसे प्रिपरेशन करी उन्होंने, कम पैसे में यानी खर्चा होने के बाद जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उनको कहाँ से चीज़ें करनी थी, तो उन्होंने अपने खाने को लेके और काफ़ी चीज़ों में उन्होंने बचा बचा के इम्प्लीमेंट किए। एक्चुअली इसमें ये बताया गया है, इसमें चंद्रयान 2 का भी जिक्र होता है, क्योंकि चंद्रयान 2 एक्चुअली पहले होना था लेकिन उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया था। तो उसमें से 70-80 करोड़ जो ओवर बजट जा रहे थे वो चंद्रयान 2 से उन्होंने जो बजटिंग थी वहाँ से लेके फिर उसको किया है। तो यहाँ से पता चलता है कितने कम पैसे में काम करते हैं, और यानी कि टोटल ये दिखाया कि कैसे उन्होंने चीज़ें करी हैं, यानी रिसोर्सेज ना होते हुए भी उन्होंने हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और धीरे धीरे करके चीज़ें सक्सेस की तरफ लेके गए हैं। बाकी आर बाल्की के बारे में सब जानते हैं, आर बाल्की बहुत क्रिएटिव मतलब इंसान है, और उनकी क्रिएटिविटी उनसे मतलब उनकी एड्स देख लो, एड्स से लेके अब तक इतनी मूवीज़ बनाने के बाद, तो बाल्की जी ने जो क्रिएटिव राइटर हैं, और फिल्म बहुत अच्छी होगी। इस ट्रेलर में एक चीज़ और थी, क्योंकि पिछले ट्रेलर में विद्या बालन जी का थोड़ा सा बहुत कम दिखाया गया था, इस ट्रेलर में उनका जो स्टिपेट है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी फिल्म रील ज़्यादा है। आई होप कि इस फिल्म में थोड़े एक दो कॉमेडी सीन भी हैं, आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें, क्योंकि एक कॉमेडी सीन है जिसपे हमें भी हंसी आई थी, आप देखना उसे। और बीच में लो भी आता है, एक जब सोनाक्षी सिन्हा एक लो है पूरी मूवी में दिखाया है, कि स्ट्रगल भी किया उन्होंने और मेहनत भी करी है, क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है कि जब आप किसी मिशन पे होते हो तो कहीं ना कहीं चीज़ें करनी पड़ती हैं,
तो उन्होंने कुछ चीज़ों में मेहनत भी करी है और लो जाने के बाद फिर उन्होंने खुद को रियलाइज़ किया और खुद भी काम किया काफ़ी। तो ट्रेलर बहुत अच्छा था, मूवी धमाल करने वाली है, 300-400 करोड़ की तो मूवी ये है, अब तक बन चुकी है ट्रेलर से ही और बहुत सारे लोग इसको इसकी टिकटें भी बुक करवा चुके होंगे। अब हाँ ऑलरेडी आप देखो ना, आप फर्स्ट डे हाउसफुल है और इसमें इसके अंदर वो दिखाया हुआ है, मतलब बुकिंग मेरा ख्याल है शुरू हो चुकी है इस मूवी की, तो हम भी टिकट बुक करवा लेते हैं, आप भी टिकट बुक करवा लीजिए। और मूवी तो फर्स्ट डे जाके ही पता लगेगा कि क्या, और क्योंकि देखो अभी हम ट्रेलर से इतना एक्साइटेड हो रहे हैं तो आई होप कि जितने एक्साइटेड हम अभी हैं उससे काफ़ी गुना ज़्यादा एक्साइटेड होंगे मूवी देख के, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ रियलिटी दिखाई हुई है। तो ये था इस ट्रेलर का रिएक्शन, और ट्रेलर क्योंकि अभी आया था तो इसलिए हमें करना था जल्दी जल्दी, तो कुछ गलतियां हो तो वेरी सॉरी। और कोई भी आपका वीडियो हो जो आपको अच्छा लगता हो और हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, हमारे साथ बैठ के देखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिख दें उस वीडियो के बारे में, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का हम रिएक्शन कर सकें। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।